हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई आई डिडंट फॉलो अदर्स। काफ़ी स्टूडेंट्स या काफ़ी हमारे जूनियर्स हमसे सवाल पूछते हैं कि हाउ मच टाइम शुड वी स्टडी और हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू ईच सब्जेक्ट और किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कम टाइम देना चाहिए, और मतलब बहुत से सवाल पूछते हैं regarding their sleep cycles, regarding their daily routines, regarding how much time should they study and what pattern should they follow and what are the different patterns of study। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप देखें कि I didn't follow others। follow का मतलब कि I didn't copy others। आप किसी को भी copy ना करें क्योंकि उसके reasons हैं बहुत, और उन रीजंस में से आई हैव रिटन डाउन सम रीजंस हियर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला रीज़न जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि एवरीवन इज़ यूनिक। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। आप देखें कि कुछ फार्मूलास या कुछ लॉजिक्स जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं वो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए वहीं काम करें, क्योंकि everyone's intelligence is different, everyone's power of learning is different। मतलब कि हर कोई, किसी का गेनिंग पावर कम है, किसी का गेनिंग पावर ज़्यादा है, तो इसके लिए आप अगर कोई टॉपर है या कोई आपका सीनियर जो मेडिकल स्कूल में जिसकी एडमिशन हो गई है तो आप उसको कॉपी ना करें, क्योंकि उस वो यूनिक था और आप यूनिक हैं। जो ट्रिक उसके लिए जिसने वो काम किया, दैट्स नॉट नेसेसरी that it would be working for you as well। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड रीज़न है वो है कि everyone's background is different। जैसे कि हमारे पास यहाँ देखें कि मेडिसिन में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है वो तो आके हमें मैट्रिक के बाद ही पता चलता है। मैट्रिक के पहले तो तकरीबन कुछ ही लोग होंगे जो डिसाइड कर चुके होंगे कि मेडिसिन में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। तो जो बच्चा या जो स्टूडेंट मैट्रिक की जिसकी लेवल है, और तो आप देखें कि मैट्रिक के भी डिफरेंट बैकग्राउंड हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आ रहा है, कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आ रहा है, और तो कुछ तो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ओ लेवल करके फर्स्ट ईयर क्लास में आते हैं या एलेवेंथ क्लास में आते हैं। तो हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, और जो आपको लॉजिक्स कोई एक बंदा बताएगा, एक कोई सीनियर बताएगा, वो अगर प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड से है तो उसकी अपनी लॉजिक्स होंगी, उसके अपने पैटर्न्स होंगे। कोई ओ लेवल्स करके आया है तो उसके अपने पैटर्न्स होंगे। इट मींस के अगर आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है तो एक लॉजिक आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि हर किसी की अप्रोच का पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, हर स्कूल का अपना अपना माहौल है। मैं गवर्नमेंट जैसे कॉलेज से हूँ, तो जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ एलेवेंथ क्लास में, तो जो मेरे दोस्त ओ लेवल्स कर रहे थे उनकी अपनी राय थी कि ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, सीनियर्स की अपनी राय थी, लेकिन मैंने एडवाइस ली। वो मैं आपको एंड में बता रहा हूँ कि आप एडवाइस लें लेकिन फॉलो ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें। इसके अलावा थर्ड रीज़न हमारे पास है कि हर किसी के पास एनवायरमेंट डिफरेंट होता है। एवरीवन्स एनवायरमेंट इज़ डिफरेंट। तो मसलन कुछ लोग जो है वो अपने घरों में रूम्स में पढ़ते हैं, और इसके अलावा कुछ जो है वो रीडिंग हॉल्स या लाइब्रेरीज को प्रीफर कर रहे हैं, और कुछ तो डिस्कशन विद फ्रेंड्स भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो डिस्कशन से वो सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हर किसी के अपने पैटर्न से, अगर आपको डिस्कशन से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप डिस्कस करें विद फ्रेंड्स, विद टीचर्स, आर इवन विद सीनियर्स, विद जूनियर्स। और अगर दूसरी बात, अगर आपको इंटरनेट से लर्निंग जो है वो हो रही है तो आप इंटरनेट से लर्न कर सकते हैं। अगर आप को कोई मसला नहीं हो रहा, टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा, तो दिस नॉट बेड थिंग कि आप इंटरनेट से जो है वो लर्न करें। बाकी अगर आपके पास इंटरनेट से टाइम वेस्ट हो रहा है बजाय लर्निंग के, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डू नॉट गो फॉर इंटरनेट। आपके पास बुक्स पढ़ें, टीचर्स पढ़ें, सीनियर्स पढ़ें, उनसे कुछ सीखें जो आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इंटरनेट का आपको साइड में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है, तो डू नॉट गो फॉर इट। ओके, मूविंग ऑन टू रीज़न नंबर फोर। रीज़न नंबर फोर इज़ अबाउट पोटेंशियल्स एंड वीकनेसेस।
तो हर किसी की पोटेंशियल्स अपनी हैं एंड वीकनेसेस भी अपनी हैं। जैसे कि सम पीपल कांट स्टडी मोर देन 5 आवर्स वाइल अदर्स आर अनसेटिस्फाइड अंटिल दे डोंट स्टडी फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे। तो ये हर किसी की अपनी अपनी पोटेंशियल्स हैं, अपनी अपनी वीक्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स कुछ चैप्टर्स में वीक होते हैं और वहीं स्टूडेंट्स बाकी चैप्टर्स में जो है वो स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे ही आई वाज, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूं कि आई वाज वेरी वीक इन सम एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड स्पेशली बायोलॉजी, जैसे कि एनिमल या किंगडम हो गई या बॉटनी के पोर्शंस हो गए। तो दे वर वेरी जस्ट बोरिंग एंड आई वाजंट रियली इंटरेस्टेड इन देम। तो उन पे अगर उन चैप्टर्स की कोई टेस्ट होती थी तो मेरा स्कोर बहुत कम आता था। तो हर किसी की पोटेंशियल्स एंड वीकनेसेस अपनी हैं, तो इसलिए जो अगला आपको एडवाइस देगा वो अपने हिसाब से देगा। आपकी पोटेंशियल्स और आपकी वीकनेसेस उसको पता नहीं होंगी, पर आपको पता है अपनी वीकनेसेस एंड अपनी पोटेंशियल्स। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है और दिस इज़ द रियल एग्जांपल। आई पर्सनली नो 2 स्टूडेंट्स जो टेस्ट में कम्पीट करते थे एक दूसरे को और अच्छे नंबर्स लेते थे। दोनों ही मेरे दोस्त थे, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक का नाम पर्सन ए रख लेते हैं, एक का नाम वी कॉल इट पर्सन बी। तो जो ए पर्सन था वो कम से कम जो है वो 10 आवर्स अ डे उसकी रूटीन होती थी। कभी कभार अगर कोई काम वगैरह हो गया तो चलो वो मिस कर लेता था, लेकिन यूजुअली वो 10 घंटे मतलब सुबह 9 बजे लाइब्रेरी आके शाम 7 बजे तक 8 बजे तक लाइब्रेरी में बैठा रहता, और उसके ड्यूरिंग भी अपना खास टाइम जो है वो दूसरी चीज़ों पे नहीं बिताता, जैसे कि चाय पीने चले गए या मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया पे नहीं, वो अपनी पढ़ाई पे जो है वो फोकस करता था एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स पर डे। इसके अलावा वो कोशिश करके अपनी कोई क्लास मिस नहीं करता था, कोई भी काम हो कोशिश करके वो उसको निपटा के क्लास में आ जाता था। इसके अलावा वो अपनी रूटीन में स्ट्रिक्ट था बहुत, कि अगर 9 बजे लाइब्रेरी आना है तो 9 बजे ही पहुंच जाता था, मानी 2 बजे खानी है तो 2 बजे ही खाता था। इसके अलावा बाकी जो रूटीन्स हो गई, जैसे कि मतलब इवन के पानी कितने टाइम बाद पीना है वो तो खैर नहीं करता था, लेकिन मतलब इतना स्ट्रिक्ट था, वी कैन से दैट कि मतलब स्ट्रिक्ट था अपने रूप में। इसके अलावा वो नोट्स नहीं बनाता था। मैंने उसे कई बार पूछा कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो इसके नोट्स क्यों नहीं बना रहे? तो वो कहता था, यार देखो हमारे पास बहुत नोट्स बने हुए हैं, कुछ प्रोफेसर्स के नोट्स बने हुए हैं, कुछ टीचर्स के बने हुए हैं, लेक्चरर्स के बने हुए हैं, सीनियर्स के नोट्स बने हुए हैं, जो जिन्होंने बहुत काम किया है नोट्स बनाने पे। अगर वो मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं तो मैं वहाँ से पढ़ लूँ, मुझे बनाने पे मतलब अपना फोकस मैं क्यों लगाऊँ? तो उसकी ये आइडियोलॉजी थी अपनी, वो कुछ भी लिखता नहीं था, अपने नोट्स नहीं बनाता था। इसके अलावा एक दूसरा ही मेरा ही दोस्त था, और वो कभी कभार तो 8 से 10 घंटे भी पढ़ लेता था, और कभी कभी और आम रूटीन में वो जो है 3 से 4 घंटे पढ़ता था। इसके अलावा वुडेंट स्टडी फॉर मेनी डेज, अगर उसका मूड बन गया कि एक हफ्ता पढ़ाई नहीं करनी, कोई काम हो गया, किसी रिलेटिव किसी कज़न वगैरह की शादी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो 6 दिन चले गए, 7 दिन चले गए, कभी कहीं टूर पे चला गया, तो उसको टेंशन नहीं होती थी। यार उसने कहा खैर है, मसला नहीं है, कर लेंगे बाद में। इसके अलावा कोई भी टेस्ट होती थी किसी चैप्टर की या कोई मॉक टेस्ट होती थी, तो उसके पास जो है वो अपने ब्रेन में एक आइडिया होता था हाई यील्ड टॉपिक्स का, हाई यील्ड पॉइंट्स का, तो वो उन पे फोकस ज़्यादा करता था। बाकी जो हाई यील्ड पॉइंट्स नहीं होते थे और उसको लगता था कि यार ये नहीं आएंगी, जैसे कि बॉटनी हो गई पूरी आपकी, बायोलॉजी में NTS वाले लास्ट ईयर से बहुत कम फोकस कर रहे हैं, तो उन पे वो अपना फोकस नहीं लगाता था, अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करता था। इसके अलावा वो फ्रिक्वेंटली अपने नोट्स बनाता, जैसे ही कोई चैप्टर पूरा हुआ उसके जो नटशेल में उसकी जो आइडियाज़ हो गए, उसकी पॉइंट्स हो गई, वो अपनी बना लेता था, ताकि अगर दोबारा उसको रिवाइज करे तो उसको अपने हिसाब से आइडिया हो जाए। तो चले आपसे ये सवाल है कि अगर उन दोनों को फॉलो करने से अगर आपको ऑप्शन मिले, दोनों देखिए अपने हिसाब से आपको एडवाइस देंगे, तो आप किसको फॉलो करेंगे ये ज़रा सोचिए। अच्छा चलो मूव करते हैं आगे कि इंटरेस्टिंगली बोथ ऑफ देम आर स्टूडेंट्स ऑफ मेडिसिन नाउ, और दोनों की जो है वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गई है, और इन द सेम मेडिकल कॉलेज,
इन द सेम मेडिकल कॉलेज। अब आपको मैं बताऊं कि क्या जो ज़्यादा पढ़ रहा था उसको उस ज़्यादा पढ़ने की वजह से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिली, तो अगर उसको ज़्यादा पढ़ने से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिली तो जो कम पढ़ रहा है उसको दाखिला क्यों मिली? उसको तो नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसने बिल्कुल उसके कंपेरेबल कम पढ़ा, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। दाखिला तो दोनों को मिल गई, एडमिशन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन द सेम मेडिकल कॉलेज, और वो सेम ही जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसके अपने पोटेंशल्स थे, उसकी अपनी वीकनेसेस थी, तो वो अकॉर्डिंग अपने जो है वो चॉइसेस के ऊपर चला, वो अपने चॉइसेस के ऊपर चला, और जो दोनों को चाहिए था अपना टारगेट वो दोनों को मिल गया। इसके अलावा अब आपका सवाल होगा कि अगर किसी को फॉलो भी ना करें, किसी टॉपर को फॉलो ना करें, किसी सीनियर को फॉलो ना करें, तो आखिर करें क्या? तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं बल्कि डू नॉट फॉलो मी, मुझे भी आप फॉलो मत करें। आप जो है वो आपको जो करना चाहिए वो फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स। सबसे पहले इन्वेंट योर सेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करें, डिस्कवर योर पोटेंशियल्स, एंड कि आपकी जो पोटेंशियल्स हैं वो क्या हैं, मसलन कि आप कितना टाइम पढ़ सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट में आप जो है वो स्ट्रांग हैं, कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं। देन यू हैव टू पॉइंट आउट दैट कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस और कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके अलावा जो आपकी वीकनेसेस हैं उनसे आप जो है वो छुटकारा लें। मसलन कैसे कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी हाई जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मोबाइल बार बार आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, डिस्कस जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो इट्स योर वीकनेस। आपका बार बार वहाँ पे ध्यान जा रहा है, तो उस वीकनेस से आप जो है वो गेट रिड कर लें अपने जो अपने आप को, तो ये आपको फ़ायदा हो सकता है। बाकी जो आपकी वीकनेसेस हैं, जैसे कि अगर आप कम सो रहे हैं और सुबह को आपके ब्रेन के सेल्स इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे, तो वो भी आपकी वीकनेस है, उसको अपना जो है वो कम करें। अगर आपको लग रहा है कि जो टॉपर्स हैं वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, रीडिंग हॉल्स में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी तो यार रीडिंग हॉल्स में पढ़ाई हो नहीं रही, तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो वो आपकी वीकनेस है, आप वहाँ ना जाएं। अगर आपकी अपने रूम में पढ़ाई है, वहाँ पे सेटअप है, तो वहाँ पे पढ़ लें। इसके अलावा मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि अगर आप किसी को फॉलो ना करें तो किसी से एडवाइस भी ना लें और किसी से गाइडेंस भी ना लें। गाइडेंस लें, ठीक है, एडवाइस लें किसी से, सीनियर से, सीनियर से एडवाइस लें, अपने क्लासमेट से एडवाइस लें। अगर किसी चीज़ में आपको मसला हो रहा है, किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप बुक सजेशन लेना चाह रहे हैं, या आपको टाइम की मैनेजमेंट में कोई मसला आ रहा है, तो आप एडवाइस लें, गाइड लें अपने सीनियर से जो मेडिसिन में सिलेक्ट हुए हैं, जो सिलेक्ट ना हुए हैं उनसे आप एडवाइस लें, गाइडेंस लें, लेकिन कॉपी पेस्ट ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें, आई वुड सजेस्ट कॉपी पेस्ट ना करें। इसके अलावा एक हमारे सोसाइटी में एक मिथ होती है जो मैंने इस लेक्चर में कवर करना चाहिए कि मैथमेटिक्स को मेडिसिन का एंटी समझा जाता है, हालांकि देयर इज़ नो एनी लॉजिक, देयर इज़ नो एनी वैलिड रीज़न बिहाइंड दिस, बट आप देखें कि मेडिसिन में आके आप देखें कि वहीं अच्छे डॉक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ जो डॉक्टर्स अच्छे वहीं डॉक्टर्स हैं, आप चाहे सर्जरी में जाएं, आप मेडिसिन में जाएं, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है। क्यों भाई ये क्यों हो रहा है? अगर मैथमेटिक्स को आप मेडिसिन के एंटी समझ रहे हैं और वो मैथमेटिक्स तो आपको अच्छा डॉक्टर बना रही है। अच्छा, इसके बाद आई वुड सजेस्ट यू चूज़ फॉर मेडिसिन इफ़ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, बिकॉज यू वुड मेक एन एक्सीलेंट एंड बेस्ट डॉक्टर। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है और आप मेडिसिन में आ रहे हैं, तो आपसे एक अच्छा डॉक्टर और एक्सीलेंट डॉक्टर बनेगा, क्योंकि ECG रीडिंग्स पे आएँ, किसी ड्रग की इंटरेक्शन पे आएँ, आप किसी भी मैकेनिज्म पे आएँ, वहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा आई वुड से कि मेडिसिन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और फील्ड आपको जो चूज़ करने का वो तो आपने कर लिए होंगे चूज़, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है और आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो मैथमेटिक्स के लिए ये कहा जाता है कि आपकी अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो इंजीनियरिंग में जाएं, ये ज़रूर नहीं है।
मैं बाद में रिपीट कर रहा हूँ, आपकी अगर मैथमेटिक्स अच्छी है और फिर भी आपको मेडिसिन में आने का शौक है और आपका जो है वो ड्रीम है कि आप डॉक्टर बने, तो आप मैथमेटिक्स आपकी बहुत हेल्प करेगी और आपसे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा ड्यू टू मैथमेटिक्स। तो ये हमारी लेक्चर आज की वीडियो की एंड हुई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोज़। तो इंशाल्लाह हमारी जो दूसरी वीडियोस होंगी वो हमारी होंगी जेनेटिक्स पे। तो जेनेटिक्स का जो पोर्शन है बायोलॉजी का 8th या 9th नंबर चैप्टर है सिंटेक्स बुक बोर्ड का, तो हम उनको वेरी शॉर्ट और वेरी क्विक वे में, जैसे कि आप क्या उनमें से एंट्री टेस्ट में आ सकता है उसी पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो इम्पॉर्टेंस है विद रिलेटेड टू द एंट्री टेस्ट उसी पे डिस्कस करेंगे, और उसके पोर्शन की एंड में हम जो है वो उसके जो पेडिग्रीज के क्वेश्चन होते हैं या ब्लड ग्रुप्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सवालात होते हैं, उनको भी हम सॉल्व कराएंगे एक वीडियो में। तो थैंक यू।